ड्रामे की स्टारिंग होती है फीमेल लीड लिंगशियांग से, जिसे वेडिंग गाउन पहने दिखाया जाता है। लिंगशियांग की बहन चैनशी उसे थप्पड़ मारती है क्योंकि चैनशी चाहती है कि ये उस लड़के से शादी करे जिसके साथ इसकी होने वाली थी। शियांग के डैड शिनान भी यही चाहते हैं कि शियांग हुआ फैमिली के लंगड़े बेटे जिंग शेंग से शादी करे क्योंकि इस शादी से ही इनकी कंपनी बच सकती है, पर लिंगशियांग ऐसा नहीं चाहती। वो अपने डैड और एंटी शू के पैरों पर गिड़गिड़ा कर कह रही होती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, पर एंटी शू कहती है कि तुम लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, इसलिए तुम्हें लिन फैमिली के बारे में सोचना होगा और बलि का बकरा बनना होगा। शिनान कहता है कि मानता हूँ जिंगशेंग लंगड़ा है, लेकिन हुआ फैमिली तुम्हारे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करेगी। चैनशी कहती है कि डैड, क्या कंपनी बेटी की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? शिनान कहता है कि तुम्हें अपने डैड के लिए ये करना होगा। शियांग के पास अब कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उसके डैड ही यही चाहते हैं कि कंपनी को बचाने के लिए उसे ये शादी करनी होगी। चैनशी कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी डोली बाहर इंतजार कर रही है। ये कहते ही वो उसे पकड़ कर घसीटते हुए कार में बिठा देती है। ये है ड्रामे का लीड एक्टर जिंगशेंग, हुआ कंपनी का सीईओ। दोनों को देखकर चैनशी कहती है कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। चैनशी की बातों से जिंगशेंग को गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं सकता। वो ड्राइवर से चलने के लिए कहता है। शियांग पहले से ही किसी और से प्यार करती है, वो रोते हुए उसे याद करी होती है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसका बॉयफ्रेंड गुयन अब्रोड जा रहा होता है। शियांग कहती है कि तुम सच में जा रहे हो? गुयन कहता है कि खुद को साबित करने का मेरे पास एक यही मौका है। शियांग उसे सपोर्ट करती है और बेस्ट ऑफ लक कहती है। गुयन कहता है कि पागल, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। ये कहते ही वो चला जाता है तो शियांग चिल्लाकर कहती है कि गुयन, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। पर उसके वापस आने से पहले ही इसकी डोली सज गई। वो रोते हुए कहती है कि गुयन, आई एम सॉरी, मैं शादी कर रही हूँ। जिंगशेंग कहता है कि रोना बंद करो और तुम फिक्र मत करो, अच्छे दिन अभी आना बाकी हैं। फिर मुस्कुरा कर सोचता है कि अच्छे दिन कैसे होंगे ये वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट सीन में दोनों को घर में दिखाया जाता है। जिंगशेंग उसे देख रहा होता है, तभी जिंगशेंग का भाई हुआ चिन आता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली पर अपना बेडरूम नहीं सजाया, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर ऐसी बात है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिर शियांग के पास जाकर कहता है कि दुल्हन तो बड़ी ब्यूटीफुल है। ये कहते ही वो उसे टच करने लगता है तो जिंगशेंग को गुस्सा आता है। वो उसे दफा होने का कहता है तो हुआचिन कहता है, क्यों ना तुम्हारी जगह मैं यहाँ रुक जाऊँ, वैसे भी तुम बेकार हो। ये सुनकर शियांग उसे थप्पड़ मार कर कहती है कि गुंडे कहीं के जाते हो या किसी को बुलाकर बेइज्जत करके निकलवाऊं। हुआचिन उसे धमकी देते हुए जाता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। शियांग जिंगशेंग के पैरों को कवर कर रही होती है तो जिंगशेंग कहता है, क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिन फैमिली पर तरस खाऊंगा, स्पेशली तुम पर। शियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। वो जा रही होती है तो जिंगशेंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम सच में ये सोचती हो कि तुम लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो? नहीं मिस हुआ, तुम लिन फैमिली की छोड़ी हुई बेटी हो, समझी? ये कहते ही वो चला जाता है। जिंगशेंग के रूड बिहेवियर से शियांग अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो घर छोड़कर जा रही होती है तो जिंगशेंग कहता है, तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही लिन शिनान के अबैंडन्ड फैमिली हो और तुम्हारी सौतेली बहन चैनशी लिन शिनान की प्यारी सगी बेटी है। शियांग को उसकी बातों से और गुस्सा आता है। वो अपने घर आती है तो वहाँ अपने डैड और एंटी शू की बातें सुन रही होती है। शिनान हुआ फैमिली से शियांग के लिए शेयर्स लेना चाहता है, पर एंटी शू ऐसा नहीं चाहती। शिनान कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है, क्योंकि अब चैनशी के बजाय शियांग की शादी हुई है तो शेयर्स भी उसे ही मिलेंगे। एंटी शू कहती है कि कौन उस लंगड़े से शादी करना चाहेगा, मैं ये सब चैनशी के भलाई के लिए कर रही हूँ, वो तुम्हारी सगी और बड़ी बेटी है। 10 साल जब तुम हमारे साथ नहीं थे तो उसने बहुत कुछ सहा है। शिनान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन बाद उन शेयर्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी और मेरी सारी प्रॉपर्टी चैनशी को ही मिलेगी। और फिर उनकी बातों से शियांग को ये पता चलता है कि उसकी मॉम को मारने के पीछे उसके डैड का हाथ था, क्योंकि शिनान उसकी मॉम की प्रॉपर्टी हत्याना चाहता था और उसका प्यार भी झूठ था।
सच जानकर शियांग शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सारी बातें सोचकर जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई मास्क पहनकर उसे बेहोश करता है और किडनैप करके ले जाता है। शियांग को किडनैप करने वाला और कोई नहीं जिंगशिंग है, वो किसी रीजन की वजह से लंगड़ा होने का नाटक कर रहा है। जेंगशिंग प्यार से टच करते हुए गला दबाकर उसे जगाता है। शियांग को होश आता है, वो कहती है कि तुम कौन हो, ये कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। जेंगशिंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, जरूरी बात ये है कि मैं रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग कहती है कि हाँ, मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ। फिर पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। जेंगशिंग कहता है कि क्योंकि तुम्हारे लिन फैमिली का मुझ पर बहुत एहसान है। फिर उसके हाथ खोलकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लिन कंपनी में जाओ और लिन शिनान के लिए इलीगल एविडेंस ढूंढो और उसे जेल में डाल दो। ये कहते ही वो उसे फाइल देता है। सच पता चलने के बाद शियांग ठान लेती है कि वो अपने मॉम का बदला लेकर रहेगी और शिनान को उसकी मॉम की प्रॉपर्टी हड़पने नहीं देगी। नेक्स्ट सीन में जेंगशिंग की असिस्टेंट उसे बताती है कि उसके मॉम डेड के एक्सीडेंट के पीछे शिनान का हाथ है, लेकिन इस बात को 10 साल हो गए हैं, एविडेंस मिलना मुश्किल है। फिर उसे फाइल देती है जिसमें उन शेयर होल्डर्स का नाम होता है जिनके सपोर्ट से वो अपनी कंपनी वापस ले सकता है। जेंगशिंग कह रहा है कि तुम इन सब से कांटेक्ट करो। तभी शियांग घर आती है और उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ और ही समझ रही होती है। असिस्टेंट के जाने के बाद शियांग उसके पास जाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, लेकिन जैसा कि तुमने कहा था, मैं लिन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ। मुझे यकीन है कि हुआ फैमिली मेरी माँ की प्रॉपर्टी वापस पाने में मेरी हेल्प कर सकती है। तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम जो चाहे लिख सकते हो, ट्रस्ट मी। इस बीच में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगी और डिवोर्स के बाद मैं हुआ फैमिली से प्रॉपर्टी भी नहीं मांगूंगी। जेंगशिंग उसे फाइल लेता है जिसमें डिवोर्स एग्रीमेंट के बारे में लिखा होता है। वो फाइल फेंककर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, अपना ख्याल रखने के लिए मेरे पास लोगों की कमी है। तभी हुआ छिन तालियां बजाकर आता है और जेंगशिंग से कहता है कि तुम्हें फ्यूचर में किसी ऐसे की जरूरत होगी जो तुम्हारा ख्याल रखे। और मैं बताना भूल गया कि मैंने शेयर होल्डर से मीटिंग रखने की बात की है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हुआ फैमिली में तुम्हारे शेयर्स नहीं होंगे। जेंगशिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, शेयर होल्डर्स तुम्हारे प्रपोजल को पास करेगा बेवकूफ। ये सुनकर वो गुस्से से उसे मारने वाला होता है तो शियांग उसे रोकती है। हुआचिन उसे टच कर रहा होता है तो शियांग उसे जोरदार लात मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को फिर से तंग मत करना। लात खाने के बाद वो जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। शियांग किसी को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद वो जेंगशिंग से पूछती है कि नए दामाद के वेलकम के लिए तुम मेरे साथ घर चलोगे। जेंगशिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। शियांग कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, अगर लिन ऑफिस में इंटर होने की बात ना होती तो मैं इस फैमिली में कभी भी कदम ना रखती। जेंगशिंग एग्रीमेंट फाइल देख रहा होता है और फिर खुद से कहता है कि शियांग बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसे लिन शिनान के साथ लड़ने दो, हम अपनी कंपनी वापस लेने में फोकस करेंगे। नेक्स्ट सीन में शियांग रेडी हो रही होती है, तभी उसे डैड शिनान की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि तुम जेंगशिंग को अपने साथ घर जरूर लाना, मुझे उससे कुछ कहना है। शियांग कहती है कि जेंगशिंग बिजी है, वो नहीं आएगा। शिनान कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जेंगशिंग को अपने साथ लाना होगा, तुम्हारी मॉम सुबह से तैयारियां कर रही है। शियांग कहती है कि मेरी माँ 5 साल पहले ही मर चुकी है। ये कहते ही वो गुस्से से फोन रख कर जा रही होती है। शियांग अकेली घर जाती है तो शिनान गुस्से से उसकी तरफ फाइल फेंक कर कहता है कि बदतमीज लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शियांग कहती है कि ये मेरी मॉम का घर है जो वो मुझे देकर गई है, तो मैं यहाँ वापस क्यों नहीं आ सकती। चेंची कहती है कि मेरी प्यारी बहन, तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। शियांग कहती है कि मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा कि तुम मेरी सगी बहन हो। तभी शिनान गुस्से से कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, जाओ और जेंगशिंग को यहाँ लेकर आओ, वरना वापस मत आना। शियांग कहती है कि मैंने कहा ना वो बिजी है, नहीं आ सकता। ये कहते ही वो जा रही होती है तो शिनान उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी जेंगशिंग आता है। नेक्स्ट सीन में पूरी फैमिली लंच कर रही होती है। शिनान जेंगशिंग को बड़ी इज्जत दे रहा होता है और कहता है कि शियांग पागल है, उसने कहा कि तुम नहीं आओगे। जेंगशिंग कहता है कि हाँ मैं बिजी था, लेकिन मुझे शियांग की फिक्र थी, मुझे लगा कि इसे बुली किया जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आया।
चिनान कहता है कि ये शियांग का घर है, यहाँ इसे कौन बुली कर सकता है। एंटी शू भी यही कहती है और टॉपिक चेंज करने के लिए उसे खाने के लिए कहती है। तो शियांग कहती है, एंटी शू और मैं 5 साल से साथ रह रहे हैं पर ये अब तक मेरा टेस्ट नहीं जानती। चेंशी को गुस्सा आता है और वो उठकर चली जाती है। डैड चेंशी की वजह से जेंशिंग से माफी मांगता है। शियांग जिनशिंग के यहाँ होने का फायदा उठाती है क्योंकि शिनान उसके सामने अच्छा बनने का नाटक जो कर रहा है, तो वो शिनान से कहती है कि मैं लिन कंपनी में काम करना चाहती हूँ। शिनान शॉक्ड हो जाता है। एंटी शू कहती है कि तुम्हें पहले अपने स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। शियांग कहती है कि मैं हमेशा से कंपनी को संभालना चाहती थी, तो जितनी जल्दी हो अच्छा है। एंटी शू कहती है कि क्या कब्जा। शियांग कहती है हाँ, क्योंकि मैं डैड की इकलौती बेटी हूँ और मुझे यकीन है कि मैं लिन कंपनी को अकेले संभाल सकती हूँ। एंटी शू कहती है चेंशी भी तुम्हारे डैड की हेल्प कर सकती है। शियांग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं डैड की इकलौती बेटी हूँ तो कंपनी भी मैं ही टेक ओवर करूँगी। एंटी शू कहती है कि तुम अब मैरिड हो। तो जिंगशिंग कहता है कि जब तक शियांग खुश है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटी शू और शिनान के पास अब कोई रास्ता नहीं होता, उन्हें अब शियांग को कंपनी में लेना होगा। शियांग कार में बैठने वाली होती है तो शिनान उसे रोकता है और कहता है कि मुझे जिंगशिंग से अकेले में कुछ बात करनी है। शिनान उससे शेयर्स की बात करता है जो शियांग से शादी करने के बाद उसे मिलने वाले थे। जिंगशिंग कहता है कि उन शेयर्स में से 5% शेयर शियांग को मिलेंगे। शिनान कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये जरूरी है, इस बार हुआ फैमिली के लिए लिन फैमिली फायदेमंद है। जिंगशिंग कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो लिन के फेवर में कर रहा हूँ। शिनान खुश होकर चला जाता है। शियांग जिंगशिंग घर जा रहे होते हैं। शियांग उसे थैंक्स कहती है, फिर पूछती है कि क्या तुम डिवोर्स एग्रीमेंट से एग्री हो। जिंगशिंग नींद में होता है, उसे कोई जवाब नहीं देता। शियांग उसे जगाती है। जिंगशिंग कहता है कि तुमने मुझे किस लिए थैंक्स कहा। ये कहते ही वो उसे अपने क्लोज करता है, फिर वो फ्लैशबैक के बारे में सोच रहा होता है जहाँ शियांग ने जिंगशिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो अपना ब्रेकफास्ट याद से कर ले और लंच के लिए उसके वापस आने का इंतजार करे। उसका लेटर पढ़ने के बाद जिंगशिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो शियांग कहाँ गई और मेरे लिए ब्रेकफास्ट भिजवाओ। असिस्टेंट ब्रेकफास्ट भिजवा देती है पर जिंगशिंग वो नहीं खाता, वो शियांग के बने खाने को खाता है जो उसे बहुत पसंद आता है। शिंग कहता है कि तुमने जो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था वो इतने मज़े का नहीं था। शियांग खुश होती है कि उसने वो खाया तो सही, फिर उससे पूछती है कि शिनान ने तुमसे क्या बात की। जिंगशिंग कहता है कि शिनान ने तुम्हारे बदले मुझसे हुआ कंपनी के 5% शेयर मांगे हैं। शियांग कहती है कि पर तुमने उनसे कोई प्रॉमिस तो नहीं किया था, क्या तुम उन्हें शेयर्स दोगे। जिंगशिंग कहता है कि पहले मुझे ये जानने दो कि तुम क्या करने वाली हो। शियांग कहती है कि मैं तुम्हारे शेयर्स वापस करने का कोई तरीका ढूंढूंगी, फिर उसे पूछती है कि तुम लिन फैमिली से इतनी नफरत क्यों करते हो। तभी जिंगशिंग की तबीयत खराब होने लगती है। शियांग पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। जिंगशिंग कहता है कि कार रोको और फिर शियांग से कहता है कि निकलो मेरी कार से। शियांग कार से निकल जाती है तो जिंगशिंग उसे छोड़कर चला जाता है। जिंगशिंग को फील होता है कि उसने गलत किया, इसलिए वो ड्राइवर से कहता है कि तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और शियांग को वापस लेने जाओ। शियांग हील्स पहनकर जा रही होती है और जिंगशिंग की कार को वापस आता देखकर खुश भी होती है और इतराती भी है। शियांग ने ऑफिस में अपने कदम रख दिए हैं। कोलीग्स उसे देखकर गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये लिन शिनान की सबसे छोटी बेटी है और चेंशी के सामने ये कुछ भी नहीं है। शियांग उन्हें इग्नोर करके अपने लिए कॉफी बनाने जाती है। तभी चेंशी आती है और शियांग से कहती है, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम ये कंपनी छोड़कर भाग जाओगी। ये कहते ही वो जानबूझकर खुद पर पानी फेंकती है जिससे सबको यही लगे कि शियांग बदतमीज और बुरी लड़की है। ये देखकर चेंशी के सपोर्टर्स उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो ना। चेंशी कहती है कि मेरी बहन को ब्लेम मत दो, वो मुझे लिन कंपनी में नहीं देखना चाहती। सपोर्टर्स चेंशी की तारीफ और शियांग की इंसल्ट करने लगती है। शियांग भी चेंशी की अच्छी खासी इंसल्ट करती है जिससे उन्हें गुस्सा आता है। तो चेंशी उसे रोकती है और कहती है कि छोड़ो इस भिखारन को। तभी शियांग उसके मुंह पर पानी फेंकती है और कहती है कि देखा तुमने, इसकी यही औकात है। ये कहते ही वो अपनी जगह पर बैठ जाती है। चेंशी भी गुस्से से चली जाती है। शियांग की बेस्ट फ्रेंड शाओ ऑफिस आती है क्योंकि आज शियांग का ऑफिस में फर्स्ट डे है, तो वो उसके लिए लंच लाती है। दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं।
चैनशी शियांग के पास आती है और उसे कहती है कि डैड ने बुलाया है और यहाँ से दफा होने के लिए तैयार हो जाओ। शियांग से बात करने के बाद वो डैड के पास जाती है और शियांग की शिकायतें करने लगती है। शियांग शिनान के पास आती है तो शिनान गुस्से से उसे थप्पड़ मारने लगता है, पर शियांग बच जाती है। शिनान कहता है कि तुम मुझसे नहीं बच सकती। शियांग कहती है कि ये कंपनी है, घर नहीं। शिनान कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, पहले दिन आकर ही उसे निकालने के पीछे पड़ गई हो। तो शियांग कहती है कि लिन कंपनी हमेशा एबिलिटी एम्प्लॉयज को रखती है, ऐसे दो आंसू बहाकर लोगों का दिल जीतने वालों को नहीं। ये सुनकर शिनान फिर से उसे मारने वाला होता है तो शियांग चल्लाकी से चैनशी को आगे करती है और थप्पड़ चैनशी को पड़ जाता है। शिनान कहता है कि सॉरी मेरी बेटी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। शियांग चैनशी को रोता देखकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। चैनशी को थप्पड़ पड़ने के बाद शियांग बड़ी खुश होती है। शाओ कहती है कि तुम उन्हें साफ साफ जता रही हो कि तुम उनके अगेंस्ट हो, क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? शियांग कहती है कि अगर मैं उनसे डरने लग गई और लड़ूंगी नहीं तो वो मुझे कंपनी से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कहते ही वो शाओ के साथ ड्रिंक करने जाती है और जेंगशिंग को याद करके कहती है कि काफी दिन से मैंने उसे देखा नहीं। शाओ कहती है कि ऐसा लगता है तुम उसे पसंद करने लग गई हो, तो ऐसा करो तुम उसे मैसेज करो और बताओ कि तुम उसे मिस कर रही हो। शियांग मैसेज लिखती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे, तो शाओ उससे मोबाइल छीन लेती है और लिखने लगती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, हमने बहुत पी रखी है, आकर हमें ले जाओ। ये लिखकर वो मैसेज सेंड कर देती है। दोनों जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ हुआचिन आता है और कहता है कि अरे तुम तो मेरी भाभी हो, तुम यहाँ अकेली क्यों पी रही हो? शियांग उसे इग्नोर करके जा रही होती है। हुआचिन उसका हाथ पकड़ता है तो शाओ उसे लात मारती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। असिस्टेंट जिंगशिंग को उन लोगों की लिस्ट देती है जो उनके डैड के साथ हुआ करते थे और उनमें से सिर्फ एक ही है जो अब कंपनी में है। जिसके बाद जेंगशिंग यू से मिलने जाता है सच जानने जो वो जानता है, क्योंकि कंपनी में गद्दारों के बारे में ये सब जानता है और आज तक ये चुप ही रहा है। यू जानता है कि जिंगशिंग क्या चाहता है, पर उसकी फिजिकल कंडीशन को देखकर वो सोच में पड़ जाता है। जिंगशिंग उसे सब सच बता देता है कि उनकी मॉम डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उन्हें मारा गया था। सच जानकर यू तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिंगशिंग कहता है कि हमारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं है, पर इन सब के पीछे शिनान का हाथ है और हुआ फैमिली में से भी कोई एक गद्दार है। तो यू कहता है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ये कहते ही वो डॉक्यूमेंट्स लेकर चला जाता है। तभी उसे शियांग का मैसेज आता है जो शाओ ने उसे भेजा था। दोनों नशे में टल्ली होकर गाना गाते हुए जा रहे होते हैं। शियांग घिरने वाली होती है तो जिंगशिंग व्हील चेयर पर बैठकर उसे बचा लेता है। शियांग कहती है कि तुम यहाँ कैसे? शाओ उसके पास जाकर कहती है अच्छा तो तुम जिंगशिंग हो। शियांग शाओ को जिंगशिंग से दूर करके कहती है कि ये पागल लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये कहते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिंगशिंग दोनों को कार में बिठा देता है और फिर ड्राइवर को कार से बाहर भेजकर शियांग को उठाकर घर ले आता है। वो उसे देख रहा होता है तो शियांग उसे हग करके कहती है कि तुम मेरे साथ इतना बुरा ट्रीट क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जिंगशिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? शियांग कहती है हाँ, मेरे प्यारे हस्बैंड। ये सुनकर जिंगशिंग मुस्कुराता है, शायद प्यार हो गया है। शियांग ऑफिस आती है पर उसका सारा ध्यान तो जिंगशिंग पर होता है। वो कल रात के बारे में सोच सोच कर शर्मा रही होती है। टेंशी आती है और सबको न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल देकर चली जाती है। शियांग शाओ को ट्रीट देती है और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। न्यू प्रोजेक्ट चैनशी का प्लान है शियांग को कंपनी से बाहर निकालने का, पर शियांग इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इस प्रोजेक्ट से शियांग शिनान के बारे में एविडेंस कलेक्ट कर सकती है। शियांग को जिंगशिंग का कॉल आता है जो अननोन बनकर उसे बात करता है। वो उसे कहता है कि उसे न्यू प्रोजेक्ट में काम करना होगा, वहाँ उसे वो मिलेगा जो उसे चाहिए। शियांग कहती है कि मैं पहले से ही प्रोजेक्ट टीम में हूँ। काम करने के बाद शियांग घर आती है तो देखती है कि जिंगशिंग ने उसके लिए खाना बनाया है। तो वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम खाना भी बना सकते हो। जिंगशिंग उसे घूरने लगता है तो शियांग कहती है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाहती थी कि खाना बहुत टेस्टी है। जिंगशिंग कहता है कि कोई बात नहीं, कल रात तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? शियांग शर्मा जाती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी असिस्टेंट की कॉल आती है, वो उसे कल मिलने के लिए बुलाती है। जिंगशिंग हाँ कहकर फोन रख देता है।
चियांग पूछती है, किसी लड़की की कॉल थी, वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। जिंगशिंग कहता है कि हाँ, वो मेरी दोस्त है और वो मुझसे कुछ पूछना चाहती है। शियांग जेलस होने लगती है। यू हुआ कंपनी की सारी रिपोर्ट जिंगशिंग को देता है, जिसमें उन लोगों की लिस्ट होती है जिन्हें बिना किसी वजह के निकाला गया, और यू की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो अब तक हुआ कंपनी में काम कर रहा है। जिंगशिंग प्लान पर काम करने के लिए कहता है। शियांग ग्रोसरी शॉपिंग करके आती है क्योंकि वो जिंगशिंग के लिए कुछ पकाना चाहती है। तभी वो जिंगशिंग को देखती है जो असिस्टेंट के बालों से कुछ निकाल रहा होता है, पर शियांग उसे कोई और लड़की समझ होती है। ये देखकर शियांग दुखी हो जाती है और पीछे हटकर अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मैं आज यहाँ तुम्हारे घर रुकूंगी। आधी रात हो गई है पर शियांग अभी तक घर नहीं आई। जिंगशिंग उसके लिए टेंशन ले रहा होता है। तभी उसे किसी की कॉल आती है जो उसे बताता है कि शियांग अपनी फ्रेंड के घर है। ये सुनकर जिंगशिंग को सुकून मिलता है। शियांग ऑफिस आती है तो चेंशी कहती है कि बॉस हुआंग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये कहते ही उसे बॉस हुआंग से मिलवाती है जो एक नंबर का थरकी होता है। वो शियांग से कहता है कि मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहता था, पर शियांग उसे कोई भाव नहीं देती और चेंशी से कहती है कि कौन बॉस हुआंग। चेंशी बताती है कि बॉस हुआंग हुआ ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे प्रोजेक्ट के लीडर, और इस प्रोजेक्ट में जेंगशिंग बॉस हुआंग के साथ हैं। बॉस हुआंग खुद को संवारने के बाद शियांग को बैठने के लिए कहता है और मीटिंग स्टार्ट करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर आते हैं तो थरकी अपना थरकीपन दिखा ही देता है। वो शियांग का हाथ पकड़कर डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि ऐसे वो क्लोज होकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये सुनकर शियांग उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ने के बाद बॉस हुआंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। शियांग कहती है कि तुम हमारी कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, लेकिन मैं कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करने को कहूंगी। जहां तक मुझे पता है तुम्हारी कंपनी शिन्स को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर बॉस हुआंग चला जाता है। शियांग शिनान के पास जाती है तो शिनान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शियांग कहती है कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट का पार्टनर हुआंग है, उसकी कंपनी कंगाल है, तो वो कैसे इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। शिनान कहता है कि कंपनी के बारे में डिसीजन लेना तुम्हारा काम नहीं है, चली जाओ। ये सुनकर शियांग चली आती है। शियांग घर आती है और गुस्से से अपने शूज निकाल कर बड़बड़ा रही होती है। जिंगशिंग उसे देख रहा होता है और जैसे ही शियांग उसे देखती है तो एम्बेरेसिंग फील करती है और कहती है कि मैं कल शाओ के घर थी, अभी आराम करने जा रही हूँ। ये कहते ही वो जा रही होती है तो जिंगशिंग कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और फिर वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसे देख कर शियांग कहती है कि क्या मतलब है इसका, क्या हुआ कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है। जिंगशिंग कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, एक दो दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी असिस्टेंट आती है यू का मैसेज देने। वो आते ही जिंगशिंग के बालों को टच करती है तो ये देखकर शियांग जेलस होती है। असिस्टेंट शियांग की तरफ देखकर चुप होती है क्योंकि वो उसके सामने जिंगशिंग को कुछ नहीं बताना चाहती। शियांग समझ जाती है, इसलिए वो कहती है कि तुम दोनों बात करो, मैं रूम में जाती हूँ। ये कहते ही मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शियांग के जाने के बाद वो असिस्टेंट से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। असिस्टेंट कहती है कि यू को फिकर है कि तुम्हारी कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, तुम फ्यूचर में हुआ कंपनी के डेवलपमेंट में सपोर्ट नहीं कर सकते। जिंगशिंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो यू को मेरा मैसेज दो कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसा मैं हूँ नहीं। फिर असिस्टेंट उसे डॉक्यूमेंट देकर चली जाती है। जिंगशिंग शियांग के पास जा रहा होता है। शियांग जिंगशिंग का गुस्सा टेडी पर निकाल कर कह रही होती है कि तुम आखिर किसे पसंद करते हो। तभी जिंगशिंग आता है तो शियांग टेडी को छुपा देती है और कहती है कि क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रही हूँ। ये सुनकर जिंगशिंग बिना कुछ कहे चला जाता है। चेंची शियांग के पास आकर कहती है कि कल हुआंग के साथ जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद भी तुम उसके साथ प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हो। शियांग कहती है कि करना या ना करना ये तुम पर डिपेंड करता है। चेंची कहती है लगता है तुम भूल गई, मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। शियांग कहती है फिर तुम भी ये मत भूलो कि ये प्रोजेक्ट हुआ कंपनी ने दिया है और मैं जिंगशिंग की वाइफ हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओ शियांग को हुआंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देती है और उसे बताती है कि 5 साल से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। शियांग ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, अब वो शेयर होल्डर्स को ये प्रूफ दिखा सकती है। वो शाओ को थैंक्स कहती है।
ऑफिस से निकलने के बाद वो मास्क मैन यानी कि जिंगशिंग को कॉल करके बताती है कि मैंने अपना काम कर दिया है और मुझे पता चला है कि 5 साल से लिन और हुआ कंपनी लॉस में थे और कुछ प्रोजेक्ट को लिन शिनान ने हैंडल किया है और मैंने 5 साल के सारे प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट का डेटा निकाल लिया है। मास्क मैन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है और किसी को अपना बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहिए। शियांग कहती है क्या मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। मास्क मैन कहता है कि तुम लिन शिनान के बारे में और इन्वेस्टिगेट करो, मैं ये पता करूंगा कि शिनान ने ऐसा क्यों किया। शियांग हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। शियांग जिंगशिंग के लिए डिनर बनाती है जिसे देखकर जिंगशिंग कहता है कि आज कोई स्पेशल डे है क्या। शियांग कहती है ये सब तुम्हें थैंक्स कहने के लिए है जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। जिंगशिंग कहता है क्या तुमने आज मुझे थैंक्स नहीं कहा था। शियांग कहती है कल रात के बाद से हम अभी मिले हैं। जिंगशिंग कहता है तो नेक्स्ट टाइम इन सब के लिए मैं भी तुम्हें ट्रीट दूंगा। शियांग उसे खाने के लिए कहती है। जिंगशिंग खाता है तो कहता है कि तुम बहुत मजेदार पकाती हो। शियांग उसे अपने हाथों से खिलाती है और कहती है कि ये डिलीशियस है ना। जिंगशिंग कहता है हाँ और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। शियांग की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है तो जिंगशिंग प्यार से उसके नोज को टच करके कहता है कि चलो तुम भी खाओ। शियांग उसे पिकनिक पर चलने के लिए कहती है, जिंगशिंग हाँ कहता है। नेक्स्ट डे दोनों पिकनिक के लिए पार्क आते हैं। शियांग उसे फिश हेयर बैंड पहनाती है। जिंगशिंग कहता है कि ये क्या है। शियांग कहती है कि पहने रखो तुम पर सूट कर रहा है। जिंगशिंग वो उतारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पिकनिक पर क्यों आया। शियांग उसे कहती है कि मत उतारो इसे, कितना क्यूट है ये, घर पर अकेला बैठकर बोर होना बहुत डिप्रेसिंग है इसलिए तुम्हें डेली बाहर निकलना चाहिए। ये सुनते ही जिंगशिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होते हैं तभी एक बच्चा आता है और अपनी मॉम को बुलाकर उनकी तरफ इशारा करके कहता है कि मॉम देखो ये क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। शियांग जिंगशिंग को खाने के लिए देती है और पूछती है कि ये कैसा है। जिंगशिंग वो खाकर कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है। तभी उसे कॉल आती है। शियांग कहती है कि तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे। जिंगशिंग फोन उठाता है तो असिस्टेंट बात करती है पर शियांग कोई और समझती है और सोचती है कि क्या ये वही लड़की है। असिस्टेंट से बात करने के बाद वो शियांग से कहता है कि मुझे अभी कहीं जाना है। ये कहते ही वो चला जाता है। शियांग अपसेट हो जाती है और वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद वो कहती है कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ असिस्टेंट जिंगशिंग को डॉक्यूमेंट्स देती है जिसमें हुआ छिन और शिनान के खिलाफ कुछ एविडेंस होते हैं। असिस्टेंट कहती है कि ये एविडेंस शिनान को दोषी देने के लिए काफी नहीं है लेकिन दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी है और मुझे हुआ छिन के खिलाफ रिश्वत लेने के कुछ और एविडेंस मिले हैं, इससे वो कंपनी से आराम से बाहर जा सकता है। जिंगशिंग कहता है ठीक है फिर ऐसा ही करो। असिस्टेंट कहती है कि यू ने 3 दिन बाद शेयर होल्डर्स को डिनर के लिए इनवाइट किया है जनरल मीटिंग रखने के लिए। आई होप आप वहां जाकर उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने में उनकी हेल्प करोगे। ये सुनते ही जिंगशिंग खड़ा होकर उसे दिखाता है कि वो लंगड़ा नहीं है। असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम अपने दुश्मनों को ये दिखा रहे थे कि तुम कमजोर हो। जिंगशिंग कहता है कि डॉक्टर के बाद तुम पहली हो जो ये सच जानती हो तो प्लीज 3 दिन तक इस राज को राज ही रखना। ये कहते ही वो व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। असिस्टेंट कहती है कि लिन फैमिली के बारे में क्या, एक्सीडेंट के पीछे शिनान का भी हाथ है। जिंगशिंग कहता है कि उसके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। काफी देर तक वहाँ इंतजार करने के बाद शियांग सैड होकर घर आती है और कहती है कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उससे मेरा क्या लेना देना, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। ये कहते ही वो रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। तभी उसे मास्क मैन की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो मैं शुरू करा। उससे बात करने के बाद शियांग टाइम देखती है तो कहती है कि सच्चा प्यार रात भर वापस नहीं आता। नेक्स्ट डे शियांग मास्क मैन से मिलने होटल जा रही होती है तो हुआ चिन छुपके से उसे देख रहा होता है और कहता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। ये कहते ही वो उसे फॉलो कर रहा होता है। शियांग मास्क मैन से मिलती है। मास्क मैन उसके उतरे चेहरे को देखकर कहता है कि क्या तुम रोई थी। शियांग कहती है नहीं मैं कल रात ठीक से सोई नहीं। फिर कहती है कि ये बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो। मास्क मैन कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम ने एक वसीयत छोड़ी है। शियांग कहती है क्या कहा तुमने वसीयत,
मैंने डैड से कभी भी विल के बारे में नहीं सुना। मास्कमैन कहता है कि लिन फैमिली पहले कंगाल हुआ करती थी, बाद में शिनान ने तुम्हारी मॉम जो बिया फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी उससे शादी की और बिया फैमिली से मिले सारे शेयर्स अपने लिन कंपनी में लेकर आया, पर उससे भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। शियांग कहती है तो तुम्हारा मतलब ये है कि लिन की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मेरी मॉम है। मास्कमैन कहता है कि तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब रहने लग गई, जिस वजह से कंपनी को संभालने के लिए उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए तुम्हारी मॉम ने कंपनी शिनान के हवाले कर दी और तुम्हारी मॉम के मरने के बाद शिनान ने कंपनी में कब्जा कर लिया। शियांग कहती है तो तुम्हारा मतलब है शिनान विल को छुपा रहा है। मास्कमैन हाँ कहता है। शियांग कहती है कि उसने कई सालों से उस विल को छुपा रखा है, उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मास्कमैन उसे लॉयर का नाम बताता है जिसने उसकी मॉम का विल लिखा था। शियांग खुश होकर उसे गले लगाती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने जाती हूँ। शियांग के जाने के बाद जिंगशिंग अपना मास्क निकाल लेता है। शियांग शाओ को कॉल करके कहती है कि मूफेंग को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, ये 10 साल पहले मेरी माँ का वकील हुआ करता था, उसके बारे में सब पता लगा कर मुझे बताओ। मूचेन उसे फॉलो कर रहा होता है और फिर पीछे से आकर उसे बेहोश करके ले जाता है। शियांग को होश आता है, वो खुद को एक कार में देखती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है और कहती है कि कौन हो तुम। हुआचिन उसकी तरफ देखकर कहता है कि इतनी जल्दी उठ गई तुम। उसे देखकर शियांग कहती है कि हुआचिन तुम। हुआचिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम जल्द ही वहाँ पहुँचने वाले हैं। शियांग चिल्लाकर कहती है कि जाने दो मुझे। तभी हुआचिन ब्रेक लगाता है जिस वजह से शियांग के सर पर लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हुआचिन शियांग को अपने सीक्रेट जगह ले आता है और फिर उसे होश में ला रहा होता है। शियांग कहती है हुआचिन तुम ये क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। हुआचिन कहता है कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं, तो ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें। शियांग उससे डर रही होती है और पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। हुआचिन उससे बदतमीजी करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। शियांग कहती है प्लीज ऐसा मत करो। हुआचिन कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाता है तो शियांग कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बताओ आगे तुम चाहते क्या हो। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। हुआचिन कहता है कि तुम सच में लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, मैं तो देखूं आखिर तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। वो फिर से उसे छेड़ने लगता है तो शियांग उसे धक्का देकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हुआचिन कहता है कि तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो, जिंगशिंग यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैं जो चाहता हूँ करने दो मुझे। शियांग कहती है मैं नहीं जानती तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। हुआचिन कहता है मैंने देखा आज तुम होटल एक लड़के से मिलने गई थी। टेंशन मत लो, मैं जिंगशिंग को नहीं बताऊंगा, तुम उसके सामने अच्छी बनने का नाटक कर सकती हो। ये कहते ही उसे जबरदस्ती लिपस्टिक लगाता है। शियांग कहती है क्या है ये। हुआचिन उसके क्लोज जाकर कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। ये कहते ही वो नहाने चला जाता है। शियांग हिम्मत करके अपने हाथ खोल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। हुआचिन जब आता है तो देखता है कि शियांग वहाँ नहीं है, वो कपड़े पहन कर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। शियांग गिरते संभलते एक जगह छुप जाती है। हुआचिन हाथ में डंडा लिए उसके पीछे आता है और कहता है कि लुका छुपी का खेल बंद करो, मैंने तुम्हें देख लिया है। ये कहते ही वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है और शियांग को वो देख भी लेता है। वो अचानक से उसके सामने आता है तो शियांग उसे मार कर वहाँ से भाग कर किसी और जगह छुप जाती है। हुआचिन गुस्से से कहता है कि शियांग बाहर निकलो, आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकती। शियांग डर रही होती है तभी पीछे से मास्कमैन आता है और उसके मुँह पर हाथ रखकर कहता है कि डरो मत ये मैं हूँ। शियांग बेहोश हो जाती है। तभी दिखाया जाता है कि जिंगशिंग जा रहा होता है कि तभी उसे शियांग का मोबाइल गिरा हुआ मिलता है। वो समझ जाता है कि शियांग के साथ कुछ तो हुआ है। वो हर जगह देखता है कहीं तो सीसीटीवी कैमरा होगा, जिसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है। जिंगशिंग रिकॉर्डिंग देख रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि शियांग को किडनैप हुआचिन ने किया था, जिसके बाद वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि पता करो हुआचिन का सीक्रेट ठिकाना कहाँ पर है और जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करो। मास्कमैन शियांग को उठाकर ले जा रहा होता है तभी हुआचिन आता है और कहता है कि ये मास्क उतारो और अपना सुंदर चेहरा दिखाओ। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अपने काम से काम रखो और इसे मेरे हवाले करके दफा हो जाओ। मास्कमैन शियांग को लेटाकर कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है और तुम्हें लगता है कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। ये सुनकर हुआचिन हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारी वाइफ, इम्पॉसिबल, ये तो जिंगशिंग की वाइफ है। तभी जिंगशिंग अपना मास्क उतार कर उसे बता ही देता है कि वो कौन है।
उसे देखकर हुआचिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि जिनशिंग क्या तुम लंगड़े नहीं थे। जिनशिंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, बहुत जल्द ही मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगा। ये कहते ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। हुआचिन भाग रहा होता है, जिनशिंग उसे पकड़कर पीटने लगता है। जिनशिंग शियांग को घर ले जा रहा होता है, तभी शियांग को गर्मी लग रही होती है। जिनशिंग देखता है कि उसे फीवर है, शियांग उसे गले लगा लेती है तो जिनशिंग ड्राइवर को कार से बाहर जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में शियांग हॉस्पिटल में होती है। जिनशिंग डॉक्टर से पूछता है कि अब ये कैसी है। डॉक्टर कहती है कि ज्यादा नशा देने की वजह से ये बेहोश है, ड्रिप खत्म होने के बाद तुम इसे घर ले जा सकते हो, इसे बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। ये कहते ही डॉक्टर चली जाती है। जिनशिंग उसे देख रहा होता है, तभी असिस्टेंट आती है और जिनशिंग को बाहर बुलाती है। जिनशिंग पूछता है क्या बात है। असिस्टेंट कहती है कि हुआचिन के लोगों को अरेस्ट कर लिया है, पर हुआचिन भाग गया। जिनशिंग कहता है कैसे भी करके उसे ढूंढो। असिस्टेंट कहती है क्या आप अपने सेकंड भाई को देखने जाओगे। जिनशिंग कहता है नहीं, मुझे अभी ये सब खत्म करना है, तुम बस हुआचिन को ढूंढो। असिस्टेंट कहती है क्या तुमने इस पल का इंतजार करने के लिए इतने सालों तक ये तकलीफ नहीं सही, क्या इसकी वजह शियांग है। तुम उससे प्यार नहीं कर सकते क्योंकि वो शिनान की बेटी है। जिनशिंग उसे चुप होने के लिए कहता है। असिस्टेंट के जाने के बाद वो शियांग के पास आता है और उसे प्यार से देखते हुए पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है और फिर शियांग से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि प्यार क्या होता है। जिनशिंग जा रहा होता है, तभी शियांग को होश आता है। वो जिनशिंग का हाथ पकड़ कर कह रही होती है कि जिनशिंग प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाओ। जिनशिंग शियांग के साथ घर पर होता है, तभी चैनशी आती है। जिनशिंग दरवाजा खोलकर कहता है कि क्या काम है। चैनशी उसे देखकर कहती है कि क्या तुम जिनशिंग हो, तुम तो लंगड़े थे। जिनशिंग कहता है अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चली जाओ। चैनशी कहती है कि मुझे कुछ कहना है, शियांग ने कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ले लिए हैं। ये कहते ही वो शियांग के पास जा रही होती है तो जिनशिंग उसे रोक कर कहता है कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना नहीं चाहती। ये कहते ही दरवाजा बंद कर लेता है। चैनशी गुस्से से कह रही होती है कि शियांग तुमने मेरी कंपनी और मेरे हस्बैंड दोनों को मुझसे छीन लिया है, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। जिसके बाद वो शियांग के बॉयफ्रेंड को कॉल करके कहती है कि इससे पहले वो किसी और की हो जाए शियांग को ले जाओ। शियांग को होश आता है। जिनशिंग कहता है कि उठो कुछ खा लो। शियांग उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि ये कैसे हुआ। जिनशिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैंने ये नाटक अपने हुआ कंपनी के लिए किया था। शियांग कहती है कल तुमने उस लड़की को देखा जिसने मुझे बचाया, उसने मास्क पहन रखा था। जिनशिंग उसे बताने ही वाला होता है तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो शियांग से कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, इसलिए घर पर मेरा वेट करो, मैं बहुत जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उससे कहता है कि घर से बाहर मत जाना, हुआचिन कहाँ है किसी को नहीं पता, वो तुम्हारे पास वापस आ सकता है। ये कहते ही वो चला जाता है। शियांग को शाओ की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। शियांग उससे मिलने जाती है तो शाओ कहती है कि उस मास्क बैंक की वजह से तुम ठीक हो। शियांग कहती है हाँ, और मुझे नहीं पता वो हमेशा मास्क क्यों पहनता है। शाओ कहती है या तो वो अगली है या किसी सॉलिड रीजन की वजह से वो मास्क पहनता है। शियांग कहती है कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे अर्जेंट यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया, क्या कुछ मिला। शाओ कहती है कि लॉयर मू फेंग का पता चल गया है, उसने कहा है कि विल की एक और कॉपी है जो उसने अपनी तिजोरी में छुपा रखा है। ये सुनकर शियांग खुश होकर उसके साथ लॉयर के पास जा रही होती है और विल लेकर वापस आ रही होती है कि तभी सामने से हुआचिन आता है। हुआचिन को अपने सामने देखकर शियांग डर जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये कहते ही वो पुलिस को कॉल करने वाली होती है तो हुआचिन कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल की और मुझे अरेस्ट करा लिया तो तुम कभी भी जिनशिंग का सीक्रेट नहीं जान पाओगी। शाओ कहती है कि जिनशिंग ने शियांग के साथ कभी बुरा नहीं किया और ना ही कभी कोई सीक्रेट रखा, ये दोनों रियल कपल हैं तो अपनी ये बकवास बंद रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। हुआचिन कहता है कि कपल, ये कहते ही वो हंस पड़ता है और फिर कहता है कि अगर ऐसा होता तो चिनशी के बजाय इससे शादी ना करता, और अगर ये रियल कपल होते तो वो मास्क पहन कर बाप बेटी को ना लड़ाता। भाभी जी, जिनशिंग शुरू से ही तुम्हें यूज कर रहा है अपना बदला लेने के लिए और तुम इसे प्यार कहती हो। सच जानकर शियांग को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे हुआचिन की बातों पर यकीन आ जाता है। हुआचिन कहता है कि वो मरने के लायक है, इसलिए उसे निपटाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। शियांग कहती है कि कोई जरूरत नहीं, तुम एक घटिया इंसान हो, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी।
हुआचिन कहता है कि ठीक है भाभी जी, मेरे इस ऑफर के बारे में गौर से सोचना। ये कहते ही वो चला जाता है। जिंगशिंग का सच जानकर शियांग पूरी तरह से टूट जाती है। जिंगशिंग घर आता है तो देखता है कि लाइट्स ऑफ है और शियांग बैठी हुई है। शियांग उससे कहती है कि मैं तुम्हें जिंगशिंग कहकर बुलाऊं या मास्क मैन। जिंगशिंग तो उसे सब बताने ही वाला था, पर उसके बताने से पहले ही शियांग को सब पता चल गया। वो उसे समझाने की कोशिश करता है तो शियांग कहती है कि क्या समझाओगे मुझे, तुमने ये सब पहले से ही सोचा हुआ था। मैं तुमसे बस एक आखिरी बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने मुझसे शादी अपना बदला लेने के लिए किया था? फिर दिखाया जाता है कि जिंगशिंग लंगड़ा था, इसलिए शिनान अपनी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो उसने बिजनेस के लिए शियांग के साथ इसकी शादी तय की थी और जिंगशिंग ने हाँ कह दी थी क्योंकि वो किसी भी तरह अपना बदला लेना चाहता था। जिंगशिंग उससे सॉरी कहता है। शियांग रोते हुए कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे यूज किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। जिंगशिंग कहता है कि शिनान ने ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट करवाया। मेरे डैड ने शिनान पर बहुत ट्रस्ट किया था, लेकिन उसने मेरे डैड को धोखा दिया और मेरे डैड के दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया ताकि मेरे डैड को मार डाले। शियांग कहती है तो इन सब में मेरी क्या गलती थी, शिनान ने मेरी मॉम को मार डाला, उनकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और मुझे कचरे की तरह इधर उधर फेंक दिया। जिंगशिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सॉरी, मुझे ये सब पता नहीं था। तो शियांग उसे खुद से दूर करती है और कहती है कि मेरे शरीर में शिनान का खून है, मैं उसकी बेटी हूँ, तो मुझे तुम पर इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं, लेकिन आज के बाद से हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं, अब से हम दोनों के रास्ते जुदा। ये कहते ही वो जा रही होती है। जिंगशिंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर शियांग नहीं रुकती और जिंगशिंग को छोड़कर चली जाती है। शियांग रोड के बीचों बीच रोते हुए कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। तभी सामने से कार आती है तो कोई आकर शियांग को बचा लेता है और वो और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड गुयेन होता है। गुयेन कहता है कि मुझे देखकर तुम ज्यादा खुश नहीं लग रही। शियांग कहती है कि ऐसी बात नहीं। गुयेन कहता है कि चिनशी ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें बताई। शियांग कहती है तो तुमने उसकी बातों पर यकीन कर लिया, वो बचपन से ही तुम्हें मेरे बारे में झूठ बोला करती थी। गुयेन कहता है कि अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम। शियांग रोते हुए कहती है कि ठीक हूँ मैं। गुयेन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि शियांग मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शियांग उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं अब बहुत थक गई हूँ। तभी जिंगशिंग आता है और उन दोनों को क्लोज देखकर अपसेट हो जाता है। शियांग वापस घर आती है। जिंगशिंग खुश होता है कि वो वापस आ गई। शियांग कहती है कि मैं बस अपना सामान लेने आई हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते ही वो बैग लेकर चली जाती है। नेक्स्ट डे शियांग लॉयर को अपनी मॉम की विल देती है ताकि शिनान से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सके। लॉयर कहता है कि इस विल के जरिए शिनान पर हम केस कर सकते हैं। शियांग कहती है ठीक है फिर ऐसा ही करो। लॉयर के जाने के बाद गुयेन शियांग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी चैनशी जिंगशिंग के साथ आती है और शियांग से कहती है कि क्या मेरी बहन भी यहाँ है, मुझे लगा कि तुम किसी कोने में छुपकर रो रही होगी, लेकिन तुम तो बड़ी तेज निकली। गुयेन उसे दफा होने के लिए कहता है। चिनशी कहती है कि मेरी प्यारी बहन जिंगशिंग मेरा है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शियांग कहती है कि क्या कहा तुमने। ये कहते ही उसके पास जाती है और उसे धक्का देकर कहती है कि ये अभी भी मेरा हस्बैंड है। चैनशी उसे मारने लगती है तो गुयेन उसे रोक लेता है। शियांग गुयेन के साथ जा रही होती है तो जिंगशिंग जेलस हो जाता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। शियांग कहती है कि जाने दो मुझे, पर जिंगशिंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मेरा चिनशी से कोई लेना देना नहीं, मैं बस उसके जरिए विल तक पहुंचना चाहता था। फिर उसे गले लगाकर कहता है कि मैं पहले गलत था, अपना बदला लेने के लिए तुम्हें यूज किया और तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, प्लीज मुझे माफ कर दो। शियांग कहती है कि मैं तुम पर इल्जाम नहीं दे रही, तो चलो यहीं पर सब खत्म करते हैं, हम दोनों की दुनिया अलग है, इतना सब कुछ झेलने के बाद एक साथ रहना तो और भी नामुमकिन है।
ये कहते ही वो गुयेन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तभी शियांग वहाँ आती है। उसे वहाँ देखकर शिनान गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शियांग सबको बताती है कि मैं बिया की बेटी हूँ, शिनान ने मेरी मॉम की सारी प्रॉपर्टी शिन में इन्वेस्ट किया, तो इस हिसाब से इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे मॉम के होने चाहिए। एक डायरेक्टर कहता है कि उसकी मॉम को मरे हुए 10 साल हो गए हैं और कोई विल भी नहीं, इसलिए उसे उसकी मॉम के शेयर्स नहीं मिल सकते। तभी शियांग सबको अपनी मॉम की विल दिखाती है और कहती है कि इस विल के हिसाब से मेरी मॉम के सारे शेयर्स मेरे हैं। सब उस विल को देख रहे होते हैं तो शिनान उस विल को फाड़ कर कहता है कि कोई विल नहीं, ये फेक है। शियांग कहती है कि विल रियल है या फेक ये कोर्ट ही फैसला करेगा। सबको शियांग की बात पर यकीन होता है। शियांग शिनान को कंपनी से निकालने का ऑर्डर देती है और सबके सामने एविडेंस रखती है जिसमें ये प्रूफ होता है कि शिनान ने कंपनी में घोटाला किया था। कंपनी को हाथ से जाता देख कर शिनान को हार्ट अटैक आता है। सब शियांग की बात से एग्री करते हैं और शिनान को कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। जिंग शिंग एक बार फिर शियांग के पास आता है और कहता है कि शियांग मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती तब तक मैं इंतजार करूंगा। शियांग उसे कुछ कहने ही वाली थी तभी वो देखती है कि हुआचिन फुल स्पीड से कार चलाकर जिंग शिंग की तरफ आ रहा है। शियांग जिंग शिंग को बचा लेती है पर खुद कार से टकरा जाती है। जिंग शिंग शियांग को हॉस्पिटल ले आता है और रोते हुए कहता है कि शियांग प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शियांग उसे देख रही होती है और उसके साथ बीते लम्हों को याद करने के बाद कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर जिंग शिंग कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। शियांग उसे फिर से कहने वाली होती है पर बेहोश हो जाती है। जिंग शिंग शियांग के पास जा रहा होता है, डॉक्टर उसे रोकती है। जिंग शिंग कहता है कि प्लीज मुझे अंदर जाकर उसे मिलने दो, पर डॉक्टर उसे जाने नहीं देती क्योंकि शियांग का ऑपरेशन चल रहा होता है। वो उसे इंतजार करने का कहकर चली जाती है। तभी गुयेन आता है और जिंग शिंग को मार कर कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, जब तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बार बार उसके सामने क्यों आते हो। जिंग शिंग रोते हुए सॉरी कहता है। उसकी हालत देखकर गुयेन उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर शियांग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिंग शिंग पूरी तरह से टूट गया है, वो शियांग से बहुत प्यार करता है और उसे खोने से डर रहा है। तभी डॉक्टर आती है, दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अब शियांग कैसी है। डॉक्टर उन्हें बताती है कि शियांग अब खतरे से बाहर है, ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश है, जल्द ही ठीक हो जाएगी। जिंग शिंग शियांग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। गुयेन आता है और जिंग शिंग को शियांग के साथ देखकर वहां से चला जाता है। शियांग को होश आ जाता है, जिंग शिंग डॉक्टर को बुलाने जा रहा होता है तो शियांग उसे रोककर कहती है कि कहीं मत जाओ, मैं ठीक हूँ, यहीं रुको मेरे पास। जिंग शिंग उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से हर्ट नहीं करूँगा। शियांग पूछती है कि हुआचिन को अरेस्ट कर लिया, जिंग शिंग कहता है हाँ, उसने तुम्हें हर्ट किया है, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। शियांग कहती है कि बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ और रेस्ट करो। जिंग शिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ और कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे पास रुकूंगा। तो शियांग कहती है ठीक है, फिर यहीं मेरे पास सो जाओ। जिंग शिंग शियांग के पास सो जाता है और फिर उठने के बाद पहले उसे प्यार से देखता है और फिर सोचता है कि मैं तुमसे फिर से शादी करूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। शियांग उठती है तो देखती है कि जिंग शिंग वहाँ नहीं है, वो थोड़ी सैड हो जाती है। तभी गुयेन आता है और कहता है कि क्या तुम जिंग शिंग का इंतजार कर रही हो, तुमने उस भेड़िये को बचाया है जो तुम्हें छोड़कर चला गया और फिर पलटकर तुम्हारे पास आया ही नहीं। शियांग कहती है कि नहीं, वो थोड़ा बिजी होगा तभी मेरे पास नहीं आया। फिर वो गुयेन को वॉक पर चलने के लिए कहती है। गुयेन कहता है कि क्या तुम जिंग शिंग को लाइक करती हो। शियांग उससे सॉरी कहती है, मतलब ये कि वो जिंग शिंग को पसंद करती है। गुयेन कहता है कि क्या तुम भूल गई उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। शियांग कहती है कि वो सब पुरानी बातें हैं, मैं मानती हूँ कि हम दोनों के बीच बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे।
मैं जिंगशिंग से बहुत प्यार करती हूँ, क्या हुआ अगर वो मेरे पास नहीं है? मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। जिंगशिंग वहीं खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता है। जिंगशिंग को वहाँ देखकर शियांग खुश होती है। जिंगशिंग शियांग को रूम में ले आता है। शियांग कहती है कि हॉस्पिटल में रह रहकर वो थक गई है, उसे अब घर जाना है, वो ठीक है। पर जिंगशिंग कहता है कि नहीं, उसे कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहिए, पर शियांग उसे मना लेती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट आते हैं। वहाँ एक कपल अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करता है। उन्हें देखकर शियांग के अरमान जाग जाते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। जिंगशिंग उसे खुश देखकर कुछ सोच रहा होता है। डिनर करने के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं। जिंगशिंग को असिस्टेंट की कॉल आती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। जिंगशिंग कहता है कि मैं आ रहा हूँ। शियांग को अभी तक ये लग रहा है कि जिंगशिंग अपनी असिस्टेंट से प्यार करता है, उससे नहीं। पर उसे ये नहीं पता कि जिंगशिंग उसके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है। जिंगशिंग की बातें सुनकर शियांग जेलस हो रही होती है और फिर जिंगशिंग से कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं खुद घर चली जाऊंगी। जिंगशिंग कहता है कि सॉरी, ये अर्जेंट है। शियांग नाराज होकर जा रही होती है तो जिंगशिंग उसे रोकता है और कहता है कि घर पर मेरा वेट करो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। शियांग हाँ कहकर चली जाती है। जिंगशिंग शियांग के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है, वो उसे प्रपोज करना चाहता है। वो असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि कल डायमंड रिंग की नीलामी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शियांग घर आती है तो कहती है कि जिंगशिंग उस लड़की से बहुत प्यार करता है, वरना मुझे छोड़कर उसके पास ना जाता। फिर वो वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट देकर कहती है कि जिंगशिंग ये हमारा लास्ट चांस है, मैं इंतजार करूंगी कि तुम खुद मुझे सब बताओ। ये कहते ही वो चली जाती है। जिंगशिंग हाथ में फ्लावर लेकर घर आता है शियांग को देने के लिए, पर शियांग घर पर नहीं होती। वो कॉन्ट्रैक्ट देखकर ये समझता है कि शियांग ने गु येन को चूज कर लिया है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। शियांग शाओ से मिलने जाती है। उसे अपसेट देखकर शाओ पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। शियांग कहती है कुछ नहीं। तभी वो जिंगशिंग को वहाँ देखती है और साथ एक लड़की को भी, तो वो अपना फेस छुपा लेती है और शाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें रिंग तो मिल गई है, फिर तुम अपसेट क्यों हो? जिंगशिंग शियांग को प्रपोज करने से डर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि शियांग गु येन के पास गई है, अगर उसने प्रपोज कर भी लिया तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी। असिस्टेंट कहती है कि मैं समझ गई, तुम डर रहे हो, टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगी। जिंगशिंग उसे बताता है कि शियांग चली गई। शाओ शियांग से कहती है कि तुमने मुझे क्यों रोका, पूछने देती ना वो लड़की कौन है। शियांग कहती है कि रहने दो, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं। शियांग को एक ड्रेस बहुत पसंद आता है, वो उस ड्रेस को लेने ही वाली थी। तभी चेंची आती है एक अंकल के साथ और कहती है कि ये ड्रेस मैंने ले लिया है। वो शियांग को पैसों का भरम दिखाती है तो शाओ उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करती है और उसके सारे काले करतूतों का भांडा फोड़ देती है। उसकी असलियत जानकर अंकल उसे छोड़कर चला जाता है। चैनशी गुस्से से शियांग के पास आती है तो शियांग उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं बस वही लेती हूँ जो मेरा है। ये कहते ही वो चली जाती है। गु येन शियांग के पीछे आता है और उसे वही ड्रेस देता है जो उसने पसंद किया था। शियांग कहती है तुमने वो सब देख लिया। गु येन कहता है कि ऐसे ही खुद को प्रोटेक्ट करना, फिर उससे कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ। अगर जिंगशिंग तुम्हें हर्ट करता है या तुम्हें पछतावा हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारा उसी जगह इंतजार करूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। गु येन के जाने के बाद असिस्टेंट शियांग के पास आती है और उसे अपने बारे में बताने के बाद कहती है कि मैं जिंगशिंग के साथ कई सालों से हूँ, तब से जब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, मैंने हमेशा उसका साथ दिया है। शियांग कहती है ठीक है, मैं समझ गई, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। असिस्टेंट कहती है लगता है तुमने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया है। फिर वो उसे सब सच बता देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। सच जानने के बाद वो भागते हुए जिंगशिंग के पास जाती है। जिंगशिंग तो घर पर नहीं होता, पर वहाँ एक ब्यूटीफुल ड्रेस रखा हुआ होता है। शियांग उसे देख रही होती है, तभी असिस्टेंट मैसेज करके बताती है कि जिंगशिंग अभी कहाँ है। शियांग उस ड्रेस को पहनकर जिंगशिंग के पास जाती है। जिंगशिंग उसे देखकर खुश होता है। शियांग कहती है कि मैं यहाँ तुमसे शादी करने आई हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो जिंगशिंग भी उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शियांग हाँ कहती है और इस स्वीट एंडिंग के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। ये ड्रामा आप सबको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।